हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट टू कॉलेजेस, टू डिफरेंट स्टेट से एंड टू डिफरेंट कॉलेजेस से नोटिफिकेशन है। काफी सारे सब्जेक्ट्स आपको नजर आने वाले हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं है, देर इज नो एप्लीकेशन फी एंड अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट मल्टीपल सब्जेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, सारी डिटेल हम कवर करते हैं। मैं आपको बिगिनिंग में ही अलग अलग कॉलेजेस कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, मींस कौन से स्टेट की वैकेंसीज हैं, ये आपको बता दूं, जिससे जिनके यूज की हो वीडियो वो आगे कंटिन्यू कर सकें। मेरे चैनल पर जो नए हैं, मैं उन्हें बता दूं, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को एक फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी सेटअप की गई है। यहाँ पर भी काफी सारे जॉब्स पोस्ट होते हैं, तो अगर आप चाहें तो फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग, नॉन टीचिंग की काफी सारी वैकेंसीज मैं अपडेट कर रही हूँ अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर। तो फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन हो जाए। दोनों के लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेंगे, क्लिक करके ज्वाइन हो जाए और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स का बेनिफिट लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो की जॉब डिटेल समझते हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी निकल कर आई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में है। यहाँ पे 10 मई को अपडेट की गई है और काफी वक्त है एप्लीकेशन डालने के लिए। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, सब्जेक्ट्स की डिटेल हम बाद में देख सकते हैं या अभी भी देख सकते हैं हम। और दूसरी जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो आपकी नोटिफिकेशन है मीठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड अमृतबेन जीवनलाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलिएटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में विले पार्ले में ये एग्जैक्टली है, तो जो एग्जैक्टली लोकेशन है वो विले पार्ले में है। तो दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है, तो वन बाय वन कवर करते हैं। पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कवर अप करते हैं। तो इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा या आसपास के रीजन से एप्लीकेशन डालना चाहे, वो वैसे भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट करियर सेक्शन को टाइम टू टाइम विजिट करें, क्योंकि जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेजेस आते हैं तो उनकी यहां पर अपडेटेड होती है नोटिफिकेशन जॉब की। तो ये ऐसे भी आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेक करके आपको बता रही हूं, ये इस तरीके से ओपन हो रही है पीडीएफ। तो पीडीएफ ओपन होने के बाद हम चेक कर लेते हैं सारी डिटेल्स। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज है गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो एक मिनट, इसकी साइज थोड़ी, यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो नजर आ रही है मुझे सब्जेक्ट्स, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए बीसीए, और इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एमबीए बीबीए। 14 पोस्ट है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए भी काफी पोस्ट है, पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए। फैकल्टी ऑफ फैशन एंड अपैरल डिजाइन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम यहाँ पर 14 बहुत ज्यादा पोस्ट है, 14 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश, लाइब्रेरियन के लिए 1-1 ईच, लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर फॉर वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस 1 ईच। तो यहां पर तो आप डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्वालिफिकेशन एंड, तो ये नोटिफिकेशन काफी पहले निकाली गई थी, लेकिन फिर इसके एक कलगंडम जारी की गई जिसके तहत ये देखिए, ये नीचे में विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर दिस फॉर द वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, वन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू, लास्ट डेट टू अप्लाई इज एक्सटेंडेड अप टू 30 जून 2021। तो काफी वक्त है, 30 जून तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। रही बात कि इसके लिए एज पर AICTE क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल क्या रहेगी, तो एज पर AICTE अगर बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए आप एमटेक भी हैं तो एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं अप्लाइड साइंस के या एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश, ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए ऑफकोर्स आपके पास पीजी होनी चाहिए 55% मार्क्स और साथ में नेट या फिर सेट या फिर पीएचडी होनी चाहिए। तो नेट या फिर सेट हरियाणा से या फिर पीएचडी कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बाकी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं या फिर एमसीए बीसीए एमबीए के सब्जेक्ट्स हैं
तो इनमें मास्टर्स भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एमबीए में अगर बीबीए के कोर्स को पढ़ाना है तो एमबीए वाले कैंडिडेट पढ़ा सकते हैं, बीसीए के कोर्स को पढ़ाने के लिए एमसीए वाले कोर्स कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं विदाउट नेट सेट पीएचडी। एमबीए और एमसीए को अगर पढ़ाना है तो नेट सेट या पीएचडी होगी तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में एमटेक वाले कैंडिडेट विदाउट नेट सेट पीएचडी भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट करियर सेक्शन में जाकर चेक करना है। नेक्स्ट कवर करते हैं मुंबई की विले पार्ले की वैकेंसीज को। तो ये मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये जो कॉलेज है, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नजर आ रहे हैं, ये विले पार्ले में है। इसकी लोकेशन आप अगर कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन नजर आएगी, मुंबई विले पार्ले में है। और विले पार्ले मुंबई यहां नजर आई मुझे। अब यहां पर जो इसके करियर सेक्शन में आप जाते हैं तो काफी सारी वैकेंसीज और 12 ओपन जॉब्स यहाँ पर नजर आते हैं। तो 12 ओपन जॉब्स क्या क्या है वो हम एक बार चेक करते हैं। तो इसमें है, सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है साइकोलॉजी के लिए है, दूसरा इंग्लिश के लिए है, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स के लिए है, साइकोलॉजी अगेन, और यहाँ पर प्लेसमेंट डायरेक्टर है ये देख लेना है, यहाँ पर कॉमर्स के लिए है। और लेकिन इसमें एक ये है कि इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की बहुत ज्यादा बहुत जगह रिक्वायरमेंट है। एमबीए एचआर है, एमकॉम है, अकाउंटेंसी वगैरह ये देख लें, इंग्लिश है अगेन, और स्टैटिस्टिक्स है, और तो इकोनॉमिक्स है, इस टाइप के सब्जेक्ट्स है। तो ये एग्जैक्टली आपको चेक करना होगा। जैसे सपोज मैंने ये क्लिक किया तो आपको यहाँ पर नजर आएगा 2 जून तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, यहीं पर दी हुई है, क्लिक कर सकते आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की डिटेल नीचे दी हुई है, आप चेक कर लें। टीचिंग एक्सपीरियंस, तो ये जो मिठीबाई कॉलेज है यहाँ पर मोस्टली सभी में मिनिमम 3 इयर्स या 5 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में नेट या फिर सेट या फिर स्लेट होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए, पीएचडी होगी तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं आप आकर चेक कर लें अगर आप मुंबई लोकेशन से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये सभी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप विदाउट एक्सपीरियंस वाले पोस्ट देख रहे हैं तो ऐसी पोस्ट भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो इस पे लेकर आने वाली हूँ यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर भी चेक किया करें जॉब अपडेट्स। साथ ही आपको बता दूं कि एसएम टेक्निकल जॉब्स एक न्यू मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए, इस न्यू यूट्यूब चैनल पर भी आपको बहुत सारे जॉब्स अपडेटेड मिलेंगे, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग, नॉन टीचिंग, काफी पोस्ट यहां पर भी आपको नजर आने वाले हैं। जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वगैरह में अगर लेक्चरर की पोस्ट हो तो यहां पर तो आप विदाउट नेट से पीएचडी भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ऐसे भी पोस्ट मैंने यहां पर की हुई है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये सारे अपडेट आप मेरे नए यूट्यूब चैनल एसएम टेक्निकल जॉब्स पर भी जाकर ले सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बहुत ही जल्दी मैं इस पर भी रेगुलर बेसिस पर जॉब अपडेट्स देना शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी जॉब अपडेट्स कम आ रहे हैं, इसके लिए थोड़े दिन बाद रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर भी जॉब अपडेट्स आपको मिला करेंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। सभी लिंक्स आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें और डिटेल्स उनकी समझ लें।